दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि आपका डेटा केबल आपका डेटा लीक करता है या लीक कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? शायद दोस्तों अभी आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है कि ये डेटा केबल जब भी ऐसे हम चार्ज में लगाते हैं तो ये हमारा डेटा लीक करता है। आपको ये चीज अभी मजाक लग रही हुई, लेकिन ये वाकई में होता है। कब और कैसे होता है ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, डेटा केबल से डेटा लीक आखिर कैसे हो जा रहा है? क्या ये केबल इस प्लग में लगाने से ये लीक हो जाता है? जी नहीं दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी मैंने कहा कि इसमें लगाएंगे डेटा लीक होगा, अभी कह रहे हैं नहीं लीक होगा। रुको जरा, सबर करो। पूरा कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा सबर करो। दोस्तों देखो, एक्चुअली डेटा लीक होता कब है? जब हम डेटा केबल का यूज अपने अडाप्टर के साथ ना करके किसी और जगह पे करें। आप कहोगे किसी और जगह कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपके पास चार्जर नहीं होता बट वायर होता है, तो किसी के लैपटॉप में लगा देते हो और लगा के चार्ज के लिए छोड़ देते हो, तो वो अगला चाहे तो अपने लैपटॉप से आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। हालांकि वहाँ पे आप कह सकते हो कि आप तो वहाँ रहोगे तो कैसे लीक होगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए छोड़ते हो तो किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ सामने निकल के आई है कि इस डेटा केबल का यूज अक्सर हम क्या करते हैं, मेट्रो वगैरह में या फिर कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह पर डायरेक्ट USB प्लग करके और मोबाइल चार्ज का ऑप्शन दिया जाता है। उसमें से तो कुछ तो होते हैं नॉर्मली केवल चार्ज करते हैं, बट कुछ उसमें से ऐसे पाए गए हैं जो कि आपका डेटा भी पीछे से कॉपी कर रहे हैं या ले रहे हैं जब भी हम इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या सोल्यूशन बनता है? ऐसे में सोल्यूशन ये है कि जब भी आप कहीं जाएं तो सिर्फ इस केबल को लेके ना जाएं, इस अडैप्टर को भी साथ में लेके जाएं। डायरेक्ट इसको अगर कहीं प्लग करते हैं तो वो पीछे क्या है क्या नहीं है आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। क्या पता वो सिर्फ चार्जिंग के लिए हो या फिर कुछ ऐसी डिवाइस हो जो आपका डेटा लीक कर रहा हो। तो ऐसे में जब ये आपके साथ रहेगा तो आप इसमें प्लग करोगे, देन आप चार्ज करोगे, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हो। तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसी चीजें अभी नई नई निकल के सामने आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी आप सब जान जाओगे तो आप अवेयर हो जाओगे, तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे लोग के साथ हो गई है तब ये चीज सामने आई कि हाँ, इससे डेटा लीक भी होता है जो पब्लिक प्लेसेज पे हम फोन चार्ज में लगाते हैं, सिर्फ चार्ज ही नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली सब में शेयर कर दें कि वो भी ऐसी गलती कभी ना करें। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पर रेगुलर आता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।